हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा व अंतिम मैच कल पुणे में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रनों से जीत दर्ज करके इस शानदार वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। मैच के बाद भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने भी जीत के 5 बड़े कारण बताए और इस वीडियो में हम उन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि फिलहाल चल रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को आप माई 11 सर्कल पर खेल सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस मिलता है और साथ ही साथ यहां पर VVS लक्ष्मण भी हर मैच के लिए अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम VVS लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज़्यादा कैश, और अगर आप मार्च लीडर वोट पर टॉप करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। पावर प्ले में पहली बार 2 विकेट लिए और 6 गेंदबाजों को आजमाया, जीत के 5 कारण। टीम इंडिया का घर में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। इसके साथ ही टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके पहले टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज 3-1 से जबकि T20 सीरीज 3-2 से जीती थी, यानी तीनों सीरीज के 12 में से 8 मैच टीम इंडिया ने जीते। तीसरे वनडे मैच में तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में 2 विकेट लिए। इसके अलावा सीरीज में पहली बार 6 गेंदबाजों को आजमाया गया, वहीं टीम इंडिया की जीत के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। जीत के 5 कारण। नंबर 1, इंग्लैंड के दूसरे वनडे में 337 रन बनाकर मैच जीता था। इस बार लक्ष्य उससे छोटा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया को पावर प्ले में 2 विकेट दिलाए। इस कारण इंग्लिश टीम की शुरुआत बिगड़ गई। पहले दोनों मैच में जेसन रॉय और जॉनी वेरेस्टो ने 100 से अधिक रन की साझेदारी की थी। नंबर 2, दूसरे वनडे में कुलदीप यादव और कृणाल पांड्या के महंगे रहने के बाद भी 6ठे गेंदबाज का उपयोग नहीं किया गया था। इस मैच में टीम ने 6ठे गेंदबाजों को आजमाया। नंबर 3, टीम इंडिया ने इस मैच में 4 कैच छोड़े, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने महत्वपूर्ण समय पर शानदार कैच लेकर सैम करन और आदिल राशिद की साझेदारी को तोड़ा। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 53 गेंद पर 57 रन की साझेदारी की थी। राशिद वनडे में अर्धशतक लगा चुके हैं। नंबर 4, टीम इंडिया को मैच में अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन 157 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। इसके बाद भी ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने रन गति को कम नहीं होने दिया। इस कारण टीम इंडिया 325 से अधिक का स्कोर बना सकी। इंग्लैंड की टीम भी 320 रन के पास पहुंच गई थी। नंबर 5, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरे वनडे में 20 छक्के जबकि टीम इंडिया ने 14 छक्के लगाए थे। तीसरे मैच में टीम इंडिया ने 11 छक्के जबकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 7 छक्के जड़े, यानी इंग्लिश टीम इस मैच में बड़े शॉट्स नहीं खेल सकी। इस कारण वे लक्ष्य से 7 रन दूर रह गए। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।